वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ओम्स ब्रिलियंट क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर स्क्वायर नंबर ऑब्टेन। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें छोटे से छोटा होल नंबर हमें फाइंड करना है, जिससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 252, जिससे 252 मल्टीप्लाई हो सके। ये 252 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें ये ऐसे छोटे से छोटा होल नंबर ढूंढना है जिससे 252 मल्टीप्लाई हो सके और वो परफेक्ट नंबर बन सके, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना। तो वो कैसे निकालते हैं मैं अभी इस वीडियो में आपको बता दूँ, तो बनी रहिए वीडियो के साथ। तो हम देख पा रहे हैं 252 का फैक्टर्स निकाल लेना है। 252 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेना है। 252 ये 2 से होगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 1 2 2 2 4 2 6 12 126, ये भी इवन नंबर है, तो 2 6 12 2 3 6 63 है, तो 3 से होगा। 3 2 6 3 1 3 21 है, तो ये भी 3 से होगा क्योंकि इन नंबर की समान है 3। तो 3 7 21, तो 7 प्राइम नंबर है, तो 7 डायरेक्टली हमें ले लेना है क्योंकि 7 किसी और के टेबल में नहीं आता है। तो अभी ये हमारे फैक्टर्स निकल चुके हैं, हमें इसे यहाँ पे लिख लेना है। 252 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। हमें फैक्टर्स को दो दो के ग्रुप में अलग कर देना है। तो ये 2 2 का एक ग्रुप हो गया, 3 3 का एक ग्रुप हो गया, बस ये 7 हमारा अकेला बचता है। तो मतलब अगर हमारा एक डिजिट बिना अनपेयर रहता है तो हमें वो समझ जाना है कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम इसको अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनाए, तो इसके आगे लिखना है 7 इज नॉट इन अ पेयर ऑफ 2। सो ऐसे ये स्टेटमेंट लिख लेना है हमें क्योंकि ये लिखना जरूरी होता है। तो फिर यहाँ पे देयरफॉर का साइन पुट कर लेना है, तो देयरफॉर 7 शुड बी मल्टीप्लाइड हमारा प्रॉब्लम हो गया है। तो हमने हमें पूछा गया था कि उसका इसको
एक होल नंबर से स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ सके। तो ये हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो गया हमारा 1764 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, जिससे हमें 252 से हमने 7 को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद हमने 1764 का ये निकाल लिया स्क्वायर, तो स्क्वायर में 1764 का आता है 40। तो ये हमारा हो गया है प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 252 का, आप इसी तरह से और ट्राई कर लीजिए घर पे ही अपने। तो मैं और एक आपको एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे बदलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 1008। तो 1008 के हमें पहले फैक्टर्स निकाल लेना है, 1008 के इस मेथड से फैक्टर्स निकाल लेना है 1008। तो ये 2 से होगा, 2 5 सा 10, 2 0 सा क्योंकि ये 0 के लिए, 2 4 सा 8। ये भी 4 से होगा, 2 से होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 2 2 सा 4। ये भी 2 से होगा, इवन नंबर है, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12। ये भी होगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6। ये नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर, तो 3 से देखते हैं 6 प्लस 3 9 होता है, तो 9 3 के टेबल में आते हैं, तो ये 3 से होगा, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3। ये भी 3 से होगा क्योंकि 2 प्लस 1 3 होता है, तो 3 7 सा 21 और ये 7 आ गया नीचे। तो ये हमारे हो गए फैक्टर्स 1008। तो हमें ऐसे लिख लेना है बाजू में 1008 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। एक और बात है, और ये 7, तो 7 अकेला ही है, हमें इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। हर आप सोच रहे होंगे ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल लिया है अपने मन से, आपके हर एग्जांपल में ये 7 से ही मल्टीप्लाई करना नहीं आता है। तो पिछले भी क्वेश्चन में हमने 7 से ही किया था, इसमें भी 7 ही आ रहा है, तो हम 7 से कर लेंगे। तो 1008 हमें पहले स्टेटमेंट लिख लेना, आपको भूलना नहीं है कि स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट लिख लेना 7 इज नॉट इन अ पेयर, ये ऐसा स्टेटमेंट लिख लेना है, इससे टीचर के ऊपर आपका इंप्रेशन पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पे फिर देयरफॉर 7 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1008 एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये जरूरी समझना है कि ये स्टेटमेंट लिखना, ये स्टेटमेंट कैसे है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते तो टीचर आपके मार्क्स कट कर सकती है। तो हम देखते 1008 × 7 कर लेना इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 7, नहीं 2 4 बार, मैंने 2 बार ही ले लिया, ये 7 × 7। तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, यहाँ पे 5 क्या जाएगा 7 × 0 = 0, 7 × 7। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेना है सारे नंबर को, तो 2² ये हो जाएगा 2² × ये, और एक 2² हो जाएगा 2², ये 3² और ये 7² ये 3² × 7² ये हमें ऐसे लिख लेना है। तो ये हमारा निकल गया प्रोडक्ट, तो हमें भी स्क्वायर रूट निकालना है उसका। तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7056 विल बी 2 × 2 × 3 × 7 का स्क्वायर। ये ऊपर स्क्वायर लिखना जरूरी है, अगर आपने स्क्वायर नहीं लिखा और स्क्वायर का आंसर में भी मार्क नहीं दिया तो आपका आंसर वो पूरी तरह से रॉन्ग आ जाएगा या अलग आ जाएगा। तो अभी स्क्वायर रूट हो जाएगा 7056 का 2 2 = 4, 7 3 = 21,
81 to 42 to 84. स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज 84. मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कैसे फाइंड करते हैं. मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, दोनों में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 7 ही आ रहा है अनपेयर्ड. तो हमें ऐसे ही आप घर पर ट्राई करके देखिए एग्जांपल. तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच द नंबर शुड बी डिवाइडेड. हमने पिछले नंबर पे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमें डिवाइड करना. एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर. और पिछले क्वेश्चन सेम है, इसके तरह ही सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. वो थोड़ा सा डिफरेंस हमें बस डिवाइड करना है मल्टीप्लाई की जगह. तो देखते हैं कैसे. हमें भी फर्स्ट नंबर अभी इसका भी 252 ले लेते हैं क्योंकि आपको बराबर डिफरेंस समझ में आ जाएगा. तो 252 के हमें फैक्टर्स निकालना है. 252 तो ये हमें 2 से हो जाएगा डिवाइड. 2 2 2 2 4 2 6 12 ये भी 2 से हो जाएगा. 2 6 12 2 3 6 ये नहीं होगा 2 से क्योंकि ये ऑड नंबर है. ये ऑड नंबर है तो हमें 3 से करना पड़ेगा क्योंकि 3 से होता है इसका 9 आता है सम. 3 से 3 2 6 3 1 3 3 7 21 और ये 7 आ जाएगा. तो हमें 252 के फैक्टर्स लिख लेना है. यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 3 × 7 तो हमें फैक्टर्स ध्यान से लिखना है. एक भी नंबर अगर छूट गया तो हमारा आंसर गलत आता है. तो 252 अभी हमें स्टेटमेंट लिखना. तो 7 इज नॉट इन अ पेयर देयरफॉर 7 शुड बी डिवाइडेड. हमने पिछले इसमें मल्टीप्लाइड लिखा था, यहां पे हमें डिवाइडेड लिखना है. डिवाइडेड एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो हम यहाँ पे 252 को 7 से डिवाइड करेंगे. तो हमारा ऐसे भी कर सकते हो या आपको आप डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो 7. तो डिनोमिनेटर में थोड़ा इजी रहता है तो मैं डिनोमिनेटर से ही बताता हूँ आपको क्योंकि इसमें इजी रहता है. तो 2 × 2 × 3 × 3 कर लेना × 7 जैसे जितने उतने फैक्टर्स लिख लेना है और इसके भी अपॉन में 7 लिख लेना है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं हम तो उधर साइड भी डिवाइड करेंगे. तो ये 7 1 7 और 2 ये 1 7 कट हो जाएगा हमें क्योंकि उसको रिमूव ही करना था डिवाइड मतलब. तो हम इसका अभी निकालते हैं डिवाइड. 7 × 14 7 3 21 आएगा. 7 3 यहाँ पे आपको करके दिखा दूंगा. 252 को डिवाइड कर लेना है 7 से. तो 7 3 21 आ जाएगा. 20 फिर 4 बच जाएगा 42 7 7 6 42 आता है तो 7 6 42 तो 0 0 तो 36 आ जाता है हमारा यहाँ पे 36. तो ये 36 हमें लिख लेना है यहाँ पे और ये जैसे कि तैसे लिख लेना है 2 × 2 2 × 3 × 3 ये हमें फैक्टर्स वैसे के वैसे लिख लेना है. तो अभी हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 36 का 36. तो यहाँ पे हमें क्यूब में डिवाइड स्क्वायर में डिवाइड कर लेंगे 3 का स्क्वायर. तो ये 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 स्क्वायर. तो 6 का स्क्वायर है 36 तो 36 का स्क्वायर रूट है 6. तो उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे वहां पे हमने पिछले बार में हमने मल्टीप्लाई किया था, इस बार में हमने डिवाइड किया, बस उतना ही सेम. मुझे लगता है कि मुझे यकीन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा दोनों का और आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे पेपर में और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इस लेसन. तो इस लेसन के मैंने सारे मेन मेन जो क्वेश्चंस
आते हैं ज्यादातर एग्जाम में, वो मैंने कवर कर लिए। तो अगर आपने पिछले दो वीडियोस देखे नहीं होंगे तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेना और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।